दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 24 में एक युवक ने एक तरफा प्यार में युवती पर चाकू से हमला कर दिया, फिर कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। घटना के बाद बेगमपुर थाना पुलिस ने घायल युवती को लहूलुहान हालत में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही मृतक अमित के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय अमित की बड़ी बहन प्रदर्शनकारियों में लगने वाले स्टॉल की डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इसके लिए रोहिणी सेक्टर 24 पॉकेट 14 के इसी इमारत के ऊपरी मंजिल में ऑफिस बनाया था, जिसमें पीड़ित लड़की समेत चार युवतियां काम करती थी। वहाँ पे जैसे एग्जीबिशन होते हैं उसके स्टॉल डिजाइनिंग की जाती है। बिटिया मेरी काम करती थी, 7 महीने हो गए काम करते, कोई दिक्कत नहीं थी। कल अचानक क्या हादसा हुआ, मेरी बिटिया फ़ोन आया मेरे पास, पापा मेरे चाकू मार दिया, आग बोली बचा लो। मैं पहुंचा तो बिटिया के लोग हॉस्पिटल ले गए थे बगल में, तो वहाँ उन्होंने पट्टी कर दी। फिर वहाँ से हम बोले जी बड़े हॉस्पिटल जाओ, हम अम्बेडकर लेके आए, वहाँ पर टाका वाका हो गया, कर दिया उन्होंने ठीक कर दिया और कुछ नहीं। बाकी हमें थोड़ी देर बाद खबर मिली जिसमें लड़के ने चाकू मारा है, वो उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमित भी अपनी बहन की सहायता करते हुए पीड़िता से मिलता था। उसने कई बार लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन लड़की ने मना कर दिया। बताया जाता है कि इस वजह से अमित ने किचन से चाकू लाकर लड़की का गला रेत दिया, जिससे लड़की बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। घटना के समय ऑफिस में अमित, पीड़ित लड़की और 3 अन्य युवतियां ऑफिस में मौजूद थे। मौजूद युवतियों ने हिम्मत करके अमित को दबोच लिया, जिसकी वजह से घायल हालत में लड़की दौड़ती हुई नीचे वाले फ्लोर पर बने ऑफिस में घुस गई। ऑफिस में खून से लथपथ हालत में देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस एवं एम्बुलेंस को फोन कर दिया, साथ ही लड़की के गले पर कपड़ा बांधकर खून रोकने की भी कोशिश की गई। उधर अमित ने खुद को ऑफिस के कमरे में बंद कर लिया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। फिलहाल अमित के घर मातम छाया है, वहीं लड़की बहुत बुरी तरह से डरी और सहमी हुई है।